ब्रजेश पटेल जी ने जो है 1100 रुपए का योगदान दिया, योगदान जो है लोग सम्मान करते इस खेल प्रतियोगिता में दिया, हम इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपके प्रति, और ये विद्यालय परिवार भी आपके प्रति आभार प्रकट करता है। राजकुमार सर, ये भी मैच बड़ा जबरदस्त होगा, काफी करीबी क्योंकि दोनों वाराणसी की जबरदस्त टीम 7 नंबर का खिलाड़ी तूफान की तेजी के साथ, ये वो खामोशी है कि सुनामी लाने वाली है, और गजब की टीम वाराणसी और एपीएस दोनों ही टीमें मजबूत, लेकिन अभी तक किसी का खाता नहीं खुला, और ये 7 नंबर का खिलाड़ी एपीएस का वाराणसी के खेमे में रेड करता हुआ अपने पहले अंक की तलाश के लिए, और लंबा तंबा खिलाड़ी हैंड टच करने की फिराक में, लेकिन बिना अंक उसको संतोष करना पड़ेगा। और फिर से 11 नंबर का रेडर वाराणसी का चेहरे पे चमक, चेहरे पे चमक लेता हुआ और हैंड टच करने की कोशिश, और क्या बात है, और इसी के साथ वाराणसी ने एक अंक के साथ अपना खाता खोला। हम सभी क्षेत्रीय नागरिकों का सम्मान करते हैं, खिलाड़ियों का जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, और यह मैच देखिए सर यह मैच तो जोरदार होगा, साथ ही साथ इसके बाद का जो मैच वो टीमें तैयार है, 52 बीघा वर्सेस जौनपुर जनपद 12, जौनपुर 12 52 बीघा, और जो बढ़त लेते हुए 7 नंबर का प्रयास एपीएसए चीते की फूर्ति के साथ, लेकिन बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत बहुत बधाई सर, अला भी प्रकाश था ना, थैंक यू सर। अब ये एपीएस का खिलाड़ी जौनपुर के खेमे में अपने पहले अंक की तलाश में टच करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब, और अभी तक एपीएस का खाता नहीं खुला है, और वाराणसी 2 अंक के साथ बढ़ोतरी के साथ 1 नंबर का खिलाड़ी रेड करता हुआ। हेलो एपीएस के खेमे में, और एक मंद मंद मुस्कान लिए हुए रेड करता हुआ यह 1 नंबर का खिलाड़ी 2 अंकों के साथ वाराणसी बढ़ोतरी पे। अब ये हेलो हेलो हमारे देश के साथ जिनके ऊपर हम लोग गर्व करते, कबड्डी के महानायक माननीय श्री सरसी राजेश कुमार संघ के आदेशानुसार उनके चरण स्पर्श करके ये बच्चे इतने आगे तक गए, बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ में। डू ऑर डाइट करो या मरो वाराणसी के लिए, अपने तीसरे अंक के लिए, या तो तीसरा अंक लेके जाए। हमारे वाराणसी का रेडर बहुत ही जबरदस्त, हमारे एपीएस क्या बात है, और छकाने की कोशिश है बिल्कुल, लेकिन नाकामयाब, 3 पॉइंट जोरदार, क्या बात है, रैंक प्राप्त किए भाई, डू ऑर डाई रेड एपीएस, एपीएस के लिए डू ऑर डाई, बहुत सुंदर ढंग से खेल आगे की ओर बढ़ता हुआ भैया अपना। और ये एपीएस का खिलाड़ी वाराणसी के खेमे में अपने पहले अंक की तलाश के लिए जद्दोजहद करता हुआ अपनी टीम के टोटच करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब, बहुत तेजी के साथ, और ये फिर से अंदर घुस गया, जाल बिछाया वाराणसी ने, और उस जाल में फंसा ये खिलाड़ी, और इसी के साथ वाराणसी के स्कोर हो गए 6। देखिए आप लोग जो ऊर्जा भरने का कार्य हमारे राजकुमार सर और रवि प्रकाश सर, अनिल मौर्य सर कर रहे, कितनी बेहतरीन कमेंट्री है कबड्डी के, क्या बात है सर, बड़ा जुनून, स्कोर हम देखकर आपको बताते हैं, और 9 अंकों के साथ 9-0 अभी तक है, 9-0, अरे क्या बात है। और ये 7 नंबर का खिलाड़ी जौनपुर वाराणसी के खेमे में अपने पहले अंक की तलाश में, लेकिन अभी भी कामयाबी नहीं मिला, एपीएस को कुछ कर दिखाना होगा, अभी उनका खाता तक नहीं खुला, एपीएस बोलो कुछ करो, कुछ करो, कम से कम खाता तो खुले, और जबरदस्त पकड़ने की कोशिश लेकिन नाकामयाब, बहुत बढ़िया प्रेशर होल्ड करने की कोशिश लेकिन कोई सफलता नहीं, परिणाम फिर से वही, और
वाराणसी 10 एपीएस 0 बच्चों की तरह खिला रहे हैं वाराणसी की टीम। और हमारे प्रबंधक और अच्छे कमेंटेटर अच्छे अध्यापक रवि प्रकाश सर का तहे दिल से स्वागत, अच्छी कमेंट्री भी, बड़ी मेहनत की सर आप और 11 अंकों के साथ जौनपुर नंबर वन बनी, सॉरी वाराणसी की टीम। और ये एक नंबर का खिलाड़ी हैंड टच करने की कोशिश, लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिली। और पहले अंकों के लिए लेकिन फिर नाकामयाबी, 2 पॉइंट वाराणसी को, 2 पॉइंट। देखिए ये वाराणसी की बेहतरीन टीम है, 2 पॉइंट के साथ वाराणसी 13-0 से आगे। ये तैयारी है राजकुमार सर वाराणसी की, और फिटनेस देखिए क्या बात है, ये 11 नंबर का खिलाड़ी अभी टीम के लिए 2 अंकों से एपीएस का खाता खुला, एपीएस 2 वाराणसी 13। और सर ये भी बता दें ये वाराणसी की नंबर एक टीम है, इसमें से नेशनल खिलाड़ी भी निकले हैं, और ये 11 नंबर का खिलाड़ी तेजी फुर्ती के साथ खेल आगे बढ़ता हुआ। और ये 7 नंबर का खिलाड़ी हैंड टच करने की कोशिश दावा कर रहा है 1 पॉइंट का, लेकिन नाकामयाब। गेम आगे की ओर बढ़ता हुआ, इस गेम में जो है सबसे राजेश कुमार सिंह जो सचिव उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन हैं, और इसके अलावा श्री विपिन पाठक जी जो संयोजक काशी क्षेत्र, इसके अलावा अवधेश पाठक जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख चिरईगांव हैं, अशोक उपाध्याय जी जो बार काउंसलिंग अध्यक्ष पूर्व वाराणसी, आर्यस यादव जी जो भोजपुर सैनिक हैं, विनीत पांडे जी जो सहयोगी, जितेंद्र पटेल जी जो गणेशपुर सपा वाराणसी के लिए हैं, 2.5 करोड़ कम, आप सभी हमारे बीच उपस्थित हैं। और पकड़ा गया दोनों एंकर होल्ड, इस एक नंबर के खिलाड़ी ने एपीएस के एक नंबर, दोनों एंकर होल्ड, कोई चारा नहीं, एपीएस के लिए 2.5 करोड़ अमरो की नीति आपको। और अपने चौथे अंकों के लिए जद्दोजहद करते हुए ये खिलाड़ी, यही वो खिलाड़ी है जो अपनी टीम के लिए खाता 2 अंकों लेकर के आया, और काफी तेज तर्रार फुर्तीला अपने चौथे अंकों के लिए प्रयास कर रहा है, और हैंड टच करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब, और समय समाप्त आउट। और इसी के साथ वाराणसी का स्कोर हो गया 14-3। गजब का परफॉर्मेंस इस 11 नंबर के खिलाड़ी, खेल आगे की ओर बढ़ता हुआ, सुरक्षात्मक तरीके से खेलता हुआ यह 11 नंबर का खिलाड़ी वाराणसी का उभरता हुआ सितारा। और यह वह टीम है जो नेशनल खेलती है वाराणसी की तरफ से, और 1 नंबर का 1 पॉइंट का दावा किया हैंड टच का और कामयाब। और इसी के साथ जो वाराणसी का स्कोर हुआ 15-8। एपीएस का 3 अंक, वाराणसी का 15। इसके बाद जो जनपद और बांध जो है